मैं ना जाता हूँ। टैलेंट ऑन द फ्लोर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सबीर सक्सेना, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर S3 प्रोडक्शन। और टैलेंट ऑन द फ्लोर 2018 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, वो मुंबई तक नहीं पहुँच पाते। तो हमने ये एक प्लान किया है कि हम उन्हीं सभी बच्चों को जो टाउन्स में, छोटी सिटीज़ में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और अपने ऑल ओवर इंडिया के ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे देश में टैलेंटेड बच्चे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब ये शुरू हो रहा है? रजिस्ट्रेशन इसका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। पटना, बनारस, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये 5 सिटी में इसके ऑडिशन नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं। और सभी जगह पे रजिस्ट्रेशन हमारे हब होंगे, पटना में भी, बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। वहाँ से सबको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिलेंगे और हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है www.s3production.com। तो वो जो बच्चे हैं अपना ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसको आपके संस्था से जुड़ना होगा, वो आप कैसे जुड़ पाएगा, कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, www.facebook.com/talentontheflow2018 एंड इंस्टाग्राम S3 production and event सोशल मीडिया पे। और लिंक्डइन पे भी हम लोग अवेलेबल हैं S3 production एंड ऑल ओवर सोशल मीडिया पे सोशल S3 production के नाम से अवेलेबल है। फ्यूचर क्या होगा बच्चे का जिसका आप ऑडिशन लेंगे, तो किस बेसिस पे लेंगे? हम कानपुर में टैलेंट ऑन द फ्लोर का सेमी फिनाले करने जा रहे हैं। 5 सिटी के जितने भी हमारे ऑडिशंस के बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उन लोगों को लेके हम एक सेमी फिनाले करेंगे कानपुर में। एंड उसके बाद में अदर सिटीज़ में भी हमारे ऑडिशंस होंगे, वहाँ दिल्ली, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और आपका मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे भी हमारे ऑडिशंस होंगे। और उन ऑडिशंस का हमारा फिनाले होगा दिल्ली में, और जो वहाँ से सिलेक्टेड बच्चे होंगे और कानपुर से जो फिनाले के सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उन सभी को लेके हम मुंबई में करेंगे ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले के बाद में आप क्या उनको हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन लाइनअप में है, कुछ मेरी कुछ हिंदी मूवीज़ लाइनअप में है, कुछ एल्बम्स लाइनअप में है। उन सभी बच्चों को जो ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट होंगे, उन सभी बच्चों को हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्टों में चांस देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मशहूर कोरियोग्राफर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? टैलेंट ऑन द फ्लोर है सर, जैसे हम लोग DID देखते हैं, सुपर डांसर्स है, उसमें क्या होता है कि बच्चे, मतलब अभी बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे ब्रांचेस के बच्चे ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो गली में डांसर्स अच्छे हैं, जो घर में है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये टैलेंट ऑन द फ्लोर है हमारा। और बेसिक आपने पूछा कि ये मतलब हमारी 5 सिटी में जो ऑडिशंस हमारे हो रहे हैं, वहाँ से बच्चे जो हमारे आएंगे, तो मैं भी एक कोरियोग्राफर हूँ, मैं भी वो चीज़ चाहूँगा कि जब वो मतलब फाइनल ऑडिशंस में, फाइनल ग्रैंड फिनाले में टॉप 10 या टॉप 30 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो श्योर है कि जाहिर सी मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो उनको मैं भी अपने प्लेटफॉर्म में और अपने साथ रखूँगा उनको।
जस्ट अपने प्रोजेक्ट में जितने भी बच्चे होंगे जहाँ से भी आप ऑडिशन करके सिलेक्शन करेंगे सबको बॉम्बे लाके आप कितने बच्चों का? नहीं नहीं ओनली टॉप 100 टॉप 100 या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि या श्योर बच्चे बहुत टैलेंटेड है बट घर बैठे हैं, तो टैलेंट अपना दिखाना है तो ऑल ओवर इंडिया दिखाइए, घर पे मत। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बट वो प्लेटफॉर्म तक नहीं आ पाते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपना टैलेंट बाहर दिखाइए ऑल ओवर इंडिया, ताकि हम उनको अपने पास बुलाकर उनको उनकी टैलेंट पे हम उनको काम दिला सकें। इस तरह के बहुत बहुत सारे हैं होते हैं, लेकिन कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? बिलीव दिलाने का भी तो वो होता है, क्या है आपका प्लेटफॉर्म जो आप मतलब बताएं कि ऐसे ऐसे कौन यकीन करेगा, कैसे भेज देगा उधर से बच्चों को? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का आपने कुछ सोचा है? नहीं ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारे साथ तो सब जुड़े ही हुए हैं, तो हम सबको देख कर तो वो लिंक हैज अ लिंक तो आ ही सकते हैं, तो लिंक देखकर तो आ ही सकते हैं, तो उनको पता चलेगा कि क्या ट्रूथ है और क्या फॉल्स है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली क्या है कि जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं वो बच्चे उनको अपॉर्चुनिटी जल्दी वो ग्रैब करते हैं, उनको जल्दी मिल जाती है, लेकिन जितनी छोटी सिटीज़ हैं उसमें क्या होता है कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो बड़ी सिटी में मिल जाती है, कि वहाँ पर इतने ऑडिशंस नहीं होते, वहाँ इतने आउटलेट नहीं है, ये सब ऑफिस नहीं हैं मीडिया के। लेकिन क्या होता है कि जब हम वहाँ पर जाएंगे उनके पास, उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आइए इससे जुड़िए, तो क्या है कल को उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। एक्चुअली क्या है जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है, लेकिन क्या होता है कि छोटी सिटीज़ में क्या होता है उनके अंदर हेजिटेशन होता है, झिझक होती है, बात करते हुए घबराते हैं, क्योंकि वो बाहर निकलते बहुत कंजर्वेटिव उसमें, और छोटी सिटीज़ में क्या होता है मिलना जुलना इतना होता नहीं है, बड़े बाउंडेशन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं घर में भी। लेकिन क्या है कि अब हम वहाँ जाएंगे तो उनको एक लगेगा कि ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे जाएँ, उनको एक अच्छा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा और वो मतलब कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? आप डेफिनेटली हर काम के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं, हम खाना भी खाते हैं तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि रजिस्ट्रेशन कुछ फीस होगी? रजिस्ट्रेशन की फीस डेफिनेटली होती है, क्योंकि और भी एक्सपेंसेस हमारे भी एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे गेस्ट जज जाते हैं, वहाँ होटल एक्सपेंसेस होते हैं, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी कॉपरेट करके चलना ही पड़ेगा। कल को इन फ्यूचर वो भी इस काबिल होंगे कि वो भी अर्न कर सकेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, अगर वो थोड़ा लगा के अगर उनको बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो इसमें खर्च क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप? कितना पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में कितना सक्सेस होगा ये जो इन्होंने पहल की है बहुत अच्छी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसा चांस छोटी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत कम लोगों को मिलता है। यहाँ पे अगर आप कहें कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, अब किसी बच्चे के पास अगर नहीं है तो वो कैसे आएगा? जिसमें टैलेंट है, जिसको अपने आप को प्रूफ करना है, वो कैसे भी आएगा? और अगर उसका टैलेंट हम सब लोगों को लगता है कि हाँ वो इस काबिल है, तो हम उसे मुंबई लाकर उसको अपनी मूवीज़ में, जैसा कि कहा समीर ने कि उनको मूवी में चांस देंगे। आपको भी पता है कि आजकल कितना ज़्यादा स्ट्रगल है और कितना ज़्यादा, मतलब अगर जिनके पास सब कुछ है वो भी लोग आज की डेट में कुछ नहीं कर पाते, और जिनके पास कुछ नहीं है और वो एक दिन शाहरुख खान बन जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखकर हम लोगों ने सोचा कि जो छोटी शहर है वहाँ से लोगों को लिया जाए, उनका टैलेंट आगे दिखाया जाए। जजेस की बात करें तो जजेस कौन कौन हैं आपके इस प्रोग्राम में जो जज करेंगे? जहाँ पे प्रोग्राम होगा उसके बाद फाइनल होगा तो कुछ डिसाइड किया है कि बड़ी सेलिब्रिटी हो जजेस में? हमारे साथ में अर्मिता जी हैं, साथ में बेस्ट कोरियोग्राफर एंड रिकी जैक्सन जी हैं, और अभी जैसे मोक्षता का मोक्षता है, डी प्लस की मोक्षता, डांस प्लस की मोक्षता है, और हमारे जो ग्रांड जज जो होंगे, ग्रांड जज का अभी हम लोग मतलब वो डिस्क्लो मतलब ओपन नहीं कर रहे कि कौन रहेंगे।
ये हम लोग तीन तीन जो है मेन जज हैं और बाकी ये हमारा टीवी शो है, ये मैंने बोला ये टीवी शो है दादा। कब तक ये ऑडिशन? ये हमारा ऑडिशन अप्रैल 22 और 23 से स्टार्ट हो जाएगा पूरे देश में। हाँ पूरे देश में, हमारा 5 स्टेट है और हमारा जो ग्रैंड ऑडिशंस होगा जहाँ से बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे और सेमीफाइनल हमारा कानपुर, जो समीर सर ने कहा सेमीफाइनल हमारा कानपुर है और सेमीफाइनल होने के बाद जहाँ से भी बच्चे टॉप 100 निकल रहे हैं फिर हमारा लास्ट ऑडिशंस बॉम्बे, बॉम्बे के जो भी पार्टिसिपेट्स आएंगे और उधर के जो भी सेलेक्टेड पार्टिसिपेट होंगे इधर से कॉम्पिटिशन्स करके वही हमारे स्टूडियो राउंड में आएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग मेगा ऑडिशंस। चैनल वगैरह कुछ चैनल्स हमारी? हाँ अभी अभी हमारी साधना ने साधना चैनल से हमारी बात सारा चीज़ ओके हो चुका है, लेकिन बेसिक अगर हमारा ये शो अच्छा TRP जा रहा है तो हम लोग दूसरे चैनल्स को भी प्रमोट कर सकते हैं दादा। तो गाने जो आप इस्तेमाल करेंगे, अभी हाल ही में एक रियलिटी शो आ रहा है ड्रामे बाज, हाँ पता है मुझे, उस पे जो है टीसीरीज कंपनी ने नोटिस दे दिया है पैसे की डिमांड कर रही है। ओके तो गाने की बात करें तो किस कंपनी से आपका टाइप हुआ है गाने को लेकर? अभी हमारा वीनस कंपनी है, वीनस से हमारी बात है ऑलरेडी अच्छा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग सॉन्ग्स लेंगे वो सॉन्ग्स प्रॉपर जैसे बॉलीवुड की सॉन्ग्स आ रही है, हम लोग जैसे DID में हो रहा है DID में भी TCDs वालों ने बेसिक DID में भी उन्होंने ऑलरेडी ये लगाया था जस्टिफिकेशन लगाया था कि ये सॉन्ग्स नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बहुत सारा चीज़ है कि हम लोग वो सॉन्ग्स को उठा के एडिट करके मिक्स करके गाने को अलग तरीके से करवा सकते हैं। आप जो भी है चैनल हैं उनके दर्शक हैं, आप कुछ अपील करना चाहेंगे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो देखें इसके माध्यम से आपसे जुड़ना, क्या कहना चाहेंगे अपील? अपील तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जब तक हमारा शो स्टार्ट नहीं होगा उसके बारे में अभी आगे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये हमारा पहला था जो अभी हम लोगों ने शो को लॉन्च किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। थैंक यू। ओके मुझे इतने मालूम है कि ये शो है हिट होने वाला है, जो भी होगा ये अच्छा ही होगा। फैशन वाले साथ जितनी भी मीडिया है यहाँ की और ये शो के बारे में जो सब लोग बताए आपको तो डेफिनेट हिट होने वाला है और हम उनके साथ में सब मिलके आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि सुपर हिट हो जाए ये शो। थैंक यू। सर ये 5 स्टेट में क्यों रखा है? सर जाएंगे ना अभी, 5 तो मैं नहीं था तब तक, 5 बोले थे अभी बोला बाकी के 5 बढ़ा देंगे। गुजरात बाकी रह गया था, गुजरात था नहीं अभी नहीं, तो हमारा जो बॉम्बे ऑडिशन नहीं दादा, मेरा जो छोटी सिटी हमारा जो सेंटर बॉम्बे ऑडिशन है ना उसमें कोल्हापुर आ रहा है पहला, नागपुर आ रहा है, सेंटर हमारा बॉम्बे हुआ, कोला औरंगाबाद आया, तो ये हमारी 3 स्टेट तो कवर हो रही है। ये सर स्टेट नहीं जिला, हाँ जिला जो भी हो। इसके बाद भी अगर ये सक्सेस होता है तो इसके बाद सेकंड सीजन में हम लोग सोचेंगे ऑल ओवर, इसके बाद ऑल ओवर इंडिया हमने इसका पूरा प्लान किया हुआ है। ये आवाज है अंजाम से बहुत सपोर्ट है, फसल अंजाम से बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और राजू भाई अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात में भी, हमारा गुजरात का बहुत बड़ा सपोर्ट करवा दूंगा गारंटी के साथ में। चलो वहाँ के जितने बच्चे या जितना आपको वेन्यू वगैरह चाहिए सब मिल जाएगा। अच्छा और किस किस का समर्थन मिला है, सपोर्ट किस किस का मिला है आपको बॉलीवुड से इस चीज़ के लिए? बहुत जगहों से हमारे फेसबुक पेज पे बहुत सारी विशेज आ रही हैं और सभी ऑलमोस्ट बॉलीवुड के टीवी आर्टिस्ट एंड बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स सभी लोग बहुत विशेज दे रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच, बहुत आपका शुक्रिया। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देश के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हें? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से आया हूँ, बहुत छोटे से घर से आया हूँ और आज मुझे 19 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे जो लोग बहुत छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, और आज ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे पता है DID वगैरह और भी होते रहते हैं, बट ये जो इन्होंने छोटे छोटे कस्बों का नाम लिया है, छोटी छोटी जगहों का नाम लिया है, उन जगह के हर बच्चों को, हर उस बच्चे को जो यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ेगा, शुभकामना ये दूंगा कि एक दिन हर वो बच्चा बॉलीवुड का एक सुपरस्टार कोरियोग्राफर बने। टैलेंट हर किसी में होता है, छुपा रहता है, किसी में कुछ बट जो डांस का टैलेंट इन्होंने ढूंढने की
कोशिश यहाँ पे इनिशिएटिव ली है, मेरा ख्याल है वो हर एक बच्चा जो इनसे जुड़ेगा, मुझे उम्मीद है क्योंकि इनके सबसे बड़ी बात है इन लोगों के पास एक प्रोडक्शन हाउस है जो किसी को नहीं मिलता। बुलेट 303 फिल्म प्रोडक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नसीम अहमद एंड शिवा वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं धनंजय कुमार जी जो दिल्ली में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चे को तीन तीन जगहों पे मौका मिल सकता है, तो मैं ये शुभकामना दूंगा कि हर वो बच्चा जो छोटे गाँव खेड़े से आए वो एक दिन बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।